हेलो बच्चों, आई एम फ्रॉम लालबाग गर्ल्स सिटी कॉलेज। आज मैं आपके लिए क्लास 7 की चैप्टर नंबर 6 लेकर आई हूँ, जो कि एक नज़्म है और जिसका अनवान है होली। तो बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि हिंदुस्तान में बहुत त्यौहार होते हैं, लेकिन होली बड़ा रंगीन त्यौहार है। नज़ीर अकबर आबादी ने इस पर कई नज़में लिखी हैं, यानी इस त्यौहार पर नज़ीर अकबर आबादी ने बहुत सारी नज़में लिखी हैं। उनकी ये नज़्म होली की हूबहू तस्वीर खींच देती है। नज़ीर अकबर आबादी और गालिब एक ही ज़माने में गुजरे हैं। नज़ीर अकबर आबादी की ये खसूसियत है कि उन्होंने हिंदुस्तान के त्यौहारों, मेलों, बुज़ुर्गों सभी पर नज़में लिखी। होली पर उनकी एक नज़्म के तीन टुकड़े नीचे लिखे जा रहे हैं। नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल 1830 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों, जो आपकी बुक में नज़्म है होली, वो तीन हिस्से हैं, जो कि एक तवील नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई। इस नज़्म में उन्होंने होली के बारे में बताया है कि होली कितना गंगा जमनी तहजीब है। इसमें ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार है, पूरे हिंदुस्तान में ये सब लोग बहुत खुशी खुशी मनाते हैं। और इसमें एक दूसरे पे रंगों गुलाल डाला जाता है, और जब ये त्यौहार आता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि आज का दिन उन्हें मस्ती करने को मिलेगा। वो चाहे बहुत खुशी से इस त्यौहार को मनाएंगे। इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ चंद अशआर पढ़ती हूँ आपकी नज़्म से, तो इसे सुनिए। हर जगह थाल गुलालों से खुश रंगत की गुलकारी है, और ढेरों अबीरों के लाए सो इशरत की तैयारी है। राग बहार बहारे दिखलाते और रंग भरी पिचकारी है। मुंह सुर्खी से गुलनार हुए तन केसरी की तैयारी है, ये रूप चमकना दिखलाए रंग दिखाया होली ने। तो बच्चों, उन्होंने बताया है पिचकारी, अबीर, गुलाल से भरी थालियां हैं, मुंह जो है सुर्ख सुर्ख यानी रंग से लिपे पुते हुए हैं, लेकिन तब भी लोग इतने खूबसूरत लग रहे हैं। तो हमारा ये त्यौहार जो कि होली के नाम से जाना जाता है, बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, वो भी तब जब इसे खूबसूरती से, सफाई के साथ मनाया जाए। तो हमारा ये त्यौहार हमारे लिए बहुत खुशनुमा और अच्छा त्यौहार है। अब आगे सुनिए। हैरान खुशी से आपस में हंस हंस रंग छिड़कते हैं, रुखसार गुलालों से गुल को कपड़ों से रंग टपकते हैं, कुछ आँख रंग चमकते हैं, कुछ मैं के जाम छलकते हैं, कुछ कूदे हैं, कुछ उछले हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ बकते हैं। ये तौर पे नक्शा इशरत का हर आन बनाना होली है। मतलब कि इस दिन, होली के दिन, लोगों के रंग लोगों को अगर आप कपड़े रंगे पुते भी होंगे, उन पे आप अबीर गुलाल लगाएंगे, तो लोग बुरा नहीं मानते हैं और लोग खुशी खुशी से अपना चेहरा पेश करते हैं।